हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। और आज हम बनाने वाले हैं आलू मशरूम आलू। और सर्दी में अगर आपने मशरूम नहीं खाया तो फिर क्या मतलब है, मतलब मशरूम नहीं खाया तो फिर क्या मतलब है, जीने का ही कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मशरूम, और सर्दी में करीब करीब 25 बार से भी ज़्यादा बनता है, 40-45 बार बनता है। बस कभी कभार मैं रेसिपी बना लेता हूँ तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और बाकी तो बनता रहता है। कभी ना कभी मशरूम के साथ कुछ ना कुछ किया जाता है। और ये पनीर से भी सस्ता है, बताओ आप, पनीर कितना महंगा है, इतना सस्ता मिलता है सर्दी में, और इसका आनंद तो सर्दी में ही है। अब इस आलू बनाएंगे और इतने बढ़िया बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कोई ये एक छोटा है, बाकी मीडियम साइज़ के 4 आलू हैं, बॉयल कर लिए अच्छे से। और ये मशरूम है, ये बटर मशरूम है। इसमें 2 तरीके के मशरूम आते हैं, एक दो मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं, ये बकेट में आता है, एक पॉलीथीन में आता है। पॉलीथीन वाला थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है। अब ये क्यों होता है, मैंने खा के देखे हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा कम टेस्टी होता है, लेकिन अब बनाएंगे तो मज़ा आने वाला है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये मशरूम को इसमें निकाल लेते हैं। और ये करीब करीब तो वैसे तो साफ़ है, क्योंकि सर्दी में साफ ही आता है, गर्मी में थोड़ी सी मिट्टी इस पर चिपकी रहती है। तो आपको क्या करना है, बस पानी ले लेना है एक बर्तन में, और ये मशरूम इस तरीके से इसमें डाल देने हैं। ये लीजिए, अब इस पर थोड़ी सी मिट्टी के कण होंगे, काली मिट्टी के, बस इस तरीके से ये अंगूठे से चलाकर इसे रब कर लें आप इस तरीके से अच्छे से। ये आटा वाटा कोई लगाने की जरूरत नहीं है, लोगों का पता नहीं क्या मतलब, कुछ ना कुछ ऐसे दिखा रहे इस पर आटा लगाओ, क्या मतलब इसको आटा लगाओ, आटे को नाश करो, इस पानी में डालो फिर आटा वो खराब होगा, क्या मतलब है? ऐसे ही देखो ये बढ़िया साफ हो रहे एकदम मस्त वाले। ये लीजिए, हो गए साफ, धुल गए। अब बस क्या करना है, ये क्या है, ये मशरूम जो होते हैं ना, अब जैसे कि छोटा साइज है, ठीक है, ये इतना छोटा है ना, ये इतना छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा जब पकने के बाद में ना इनका साइज छोटा हो जाता है, ये बड़े हैं। तो ये जो बड़े वाले हैं इनके हम 4 पीस कर लेते हैं ऐसे। आप चाहे तो ये वाला पार्ट काट सकते हैं, ये लीजिए, वैसे भी पॉलिथीन में होते काटने की जरूरत नहीं है। ये इस तरीके से 4 पीस इनके कर देते हैं, और पानी में से जब ही निकालना है जब आपको इनको तेल में डालना है। चलिए काट देते हैं इसको भी, ये बड़े वालों के तो हम कर लेते हैं 4 पीस, और मेरे बच्चे निकाल निकाल के मशरूम खा जाएंगे, आलू छोड़ देंगे। इसके 2 पीस कर लेते हैं। तो ये देखिए मशरूम काट लिए हैं, और मशरूम का वजन बता देता हूँ, इस बकेट के अंदर आते हैं 200 ग्राम एक बकेट के अंदर, और पॉलीथीन वाले में भी 200 ग्राम ही आते हैं। अब क्या करते हैं, साथ के साथ ये आलू है ना, थोड़े थोड़े खड़े यहीं पर इस प्लेट में मैश कर लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा आलू को मोटा साइज रखना है, बिल्कुल मैश नहीं करना, तो एक फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। देखिए इस तरीके जब आलू आता है ना, ये देखिए मज़ा आ जाता है। अब आप कहेंगे कि आलू फोड़ने में क्या है, भैया मैंने आपको इसलिए बताया, जो बिगिनर है, जो बनाने वाले हैं, पहली बार बनाने वाले हैं, तो वो ज़्यादा मैश नहीं करते इसलिए। और आपको भी पता होगा ये मोटे आलू का जो फ्लेवर आता है ना, वो कितना बढ़िया आता है, चाहे आप इस आलू की बना लें डायरेक्ट। तो अब मैं डालने वाला हूँ तेल, और मेरी रेसिपी में सबको तेल से ही प्रॉब्लम होती है। तो आप देखिए 200 ग्राम तो करीब करीब मशरूम है, और करीब 1/2 किलो आलू है। अब उसमें अगर 4 या 5 चम्मच तेल नहीं डालेंगे तो क्या मतलब है बनाने का, कौन खाएगा? मेरे घर वाले बोलेंगे रहन दो, ले जाओ। तो ये 4 से 5 टेबल स्पून तेल डाल दें आप। सबसे पहले तेल में जाएगा 1/2 टेबल स्पून जीरा, 5-7 लौंग, 15 से 20 काली मिर्च, थोड़े से तेज पत्ते के टुकड़े, थोड़ा सा स्टर करते हैं, 2 बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई। तो लीजिए प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखिए हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होने लगी है प्याज, और गैस हाई फ्लेम पर है। यहाँ पर मैंने करीब 25 कलियाँ लहसुन की, और 1 इंच अदरक लिया था, इसमें कूट लिया है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो ये इसमें डाल देते हैं हम, और इसे भी हम करीब, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बस इसे 30 सेकंड, फिर इसका क्या फ्लेवर चला जाता है, फिर आपकी रेसिपी में लहसुन का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आएगा इसको, तो अगर आप जला देंगे या ज़्यादा पका देंगे तो जैसे लहसुन को 30 सेकंड आप पका लें, उसके बाद सीधा सिंपल मशरूम पानी में से निकाल कर सीधा डायरेक्ट डाल दें, क्योंकि मशरूम को, आलू हमारे बॉयल हैं और मशरूम को पकने में थोड़ा समय लगेगा। बस अब 2 मिनट इन मशरूमों को इस तेल और प्याज में और इनमें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये लीजिए हाई फ्लेम पर 2 मिनट मशरूम को हमने चला लिया है, अब गैस लो फ्लेम पे करते हैं। सबसे पहले 1 टीस्पून हींग डालते हैं, इसे थोड़ा सा बस चला देते हैं, और 1/4 टीस्पून हल्दी डालते हैं, 8 से 10 चुटकी भी डाल सकते हैं आप,
इसे भी थोड़ा सा मिला लेते हैं। ये लीजिए, अच्छे से मिला लिया है, गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे ही है। अब इसमें डाल देते हैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, करीब 1/2 टेबल स्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी कम होती है बस कलर के लिए डाली जाती है, और 1 टीस्पून डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च, करीब डाल देंगे इसमें करीब 8 से 10 इंच काला नमक, और सी सॉल्ट डाल देंगे यहाँ पर हम करीब 1/2 टेबल स्पून, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं यहाँ पर, गैस लो फ्लेम पे ही रखनी है। अब यहाँ पर आलू नहीं डालना चाहें, ऐसे ही आप इंजॉय कर सकते हैं मशरूम की सब्जी को, लेकिन आलू मशरूम बनाना है तो आलू तो जलेंगे डलेंगे इसमें, ये गए आलू। अब बस लो फ्लेम पर इन आलुओं को भी 2 मिनट इसमें चलाना है। अब देखिए मेरे पास लकड़ी का पलटा है, ये नीचे अगर चिपक रहा है ना तो ये आवाज़ नहीं करें ज़्यादा, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ, तो आप स्टील वाला ही यूज़ करें तो लगेगा नहीं आपका मसाला नीचे। बस 2 मिनट इसे फ्राई कर लेते हैं, ये हमने अच्छे से इन्हें फ्राई कर लिया है 2 मिनट, और कलर भी बढ़िया सा आ गया। बस अब यहाँ करेंगे करीब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी डाल देंगे यहाँ, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट और इसे चलाना है। ये सारा काम करते हुए आपको गैस लो फ्लेम पर ही रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मुँह में पानी आया दोस्तों, आह ऐसी अगर मिले आलू मशरूम की आह मज़ा आ जाए। बस अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बारीक कटा वाला धनिया डालेंगे थोड़ा सा बस, और डालेंगे करीब 2 कप पानी, मिला लेंगे। तो ये रेसिपी करीब करीब 8 से 9 जनों के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप इसमें पानी और भी बढ़ा सकते हैं, उसमें इतना रखने वाला हूँ। अब मिला लिया हमने इसे, अब बस फाइनली हमें क्या करना है, इसमें डाल देना थोड़ा सा गरम मसाला करीब 8 से 10 इंच या 1 टीस्पून, थोड़ी सी 8 से 10 इंच भुनी हुई कसूरी मेथी, इसे भी मिला लेना है। और गैस अभी तक हमारी लो फ्लेम पे ही, अब क्या करेंगे हम, इस चमचे में थोड़ी सी कसूरी मेथी चिपक गई है, ये राइट साइड से भी इसको इस तरीके से कर लेते हैं, और इसमें से पनीर नहीं मशरूम छाट छाट के मेरी औलादे खाने वाली है। बस इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे, ढक्कन हटा लेते हैं, देख लेते हैं क्या हुआ है रिएक्शन। वाओ, मशरूम तैर के ऊपर आ गए हैं, ये चीज़ ध्यान रखें आलू नीचे हैं, मशरूम सारे ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब इसे मिला लेते हैं। अब हमारे तो ऐसे ही खाई जाती मज़ेदार, थोड़ा सा बारीक कटा वाला धनिया और गार्निश कर देते हैं, डाल देते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं आप, ये लीजिए। और गैस को कर देते हैं बंद, नमक वगैरह चेक कर लेते हैं, बच्चे ना तैयार बैठे हैं मशरूम निकाल निकाल के लिए खाने के लिए। लीजिए अब इसे मिला लेते हैं, ये देखिए। अगर वेज ऐसा हो तो नॉन वेज खाने की क्या जरूरत है, वेज में इतनी वैरायटी है, बस आपको बना लाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये हमारी आलू मशरूम की रेसिपी बनकर तैयार है, ना किसी को मारा है ना किसी को काटा है, बढ़िया से थोड़ा सा तेल ज़्यादा है तो ऐसे कभी कभार तो खा ही सकते हैं, एक समय दलिया खाएं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया उसे खाकर ख़त्म करते हैं।